स्वाति, आप देख रहे हैं यूपी लाइव टीवी। जैसा कि आपको बता दें कि 20 तारीख को लखनऊ में चुनाव होने वाला है, लोकसभा चुनाव, तो उसी के लिए सारी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में लगी हुई है, जनसभा करवा रही है, रैलियां निकलवा रही है। वही आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सपा की रैली निकल रही है, तो आइए इनके समर्थकों से पूछते हैं, जो कार्यकर्ता है उनसे पूछते हैं कि इन लोग को कितनी उत्साह अपने उनको लेकर कितनी उत्साह है आपको अपनी पार्टी को लेकर? बस अपने भाई जीत जाएं, अखिलेश भैया इतनी उत्साह रहेगी, मिठाई खिला देंगे आपको। रविदास मेहरोत्रा को समर्थन दिए हैं जी? बिल्कुल जी। तो क्या लगता है कि इस बार जीतेंगे, कितनी सीटों से जीतेंगे? फिलहाल जीतेंगे, कितनी सीटों से जीतेंगे तो वक्त बताएगा, फिलहाल जीतेंगे। फिलहाल जीतेंगे, कितनी सीटों से जीतेंगे ये वक्त बताएगा, और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। कितना उत्साह है अपने नेता को लेकर? बहुत उत्साह है अपने नेता के लिए, जान कतरा सब कुछ निछावर है, और गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, परिवर्तन होने जा रहा है देश और प्रदेश में। तानाशाही सरकार भारतीय जनता पार्टी की हटने जा रही है, नौजवान शोषित वंचितों अल्पसंख्यकों की सरकार वापस आएगी, और तानाशाही खत्म होगी, बेरोजगारी खत्म होगी, रोजगार के अवसर मिलेंगे, और तानाशाही जो देश में स्थापित हो गई ईडी और तमाम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के जरिए से, वो सब खत्म होने जा रही है। जनता परिवर्तन चाहती है। बहुत धन्यवाद आपका। और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि कितना उत्साह दिख रहा है अपनी पार्टी को लेकर? जी जी जी। कितना उत्साह दिख रहा है आपको अपने नेता में? मैम यहाँ पे आपको भीड़ को देख के क्या लग रहा है? ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए जो युवाओं के दिलों में जो उनके लिए जगह बनी हुई है, उसी का ये परिणाम है मैम आपके सामने। ठीक है, ये बहुत छोटा सा कार्यक्रम है लखनऊ के अंदर। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नौजवान वंचित पिछड़े दलित गरीबों के ही नेता रहे हैं, ठीक है, जो कि सिर्फ और सिर्फ मैम रोजगार की, नौकरी की और इन सब की बात करते हैं, ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी, युवाओं के लिए शिक्षा गिरा रही है, और तो और सारी पेंशन उन्होंने बहाल कर दी है, आपको ये पता है, ठीक है। बस अपील पब्लिक से इतनी है कि बढ़ चढ़कर आगामी 20 तारीख को समाजवादी पार्टी को वोट दें, और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को एक बार फिर से गठबंधन की सरकार जो बन रही है, जो जिसमें राहुल गांधी है, राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करें। मैं जनता से यही अपील करता हूं। बाकी जय समाजवाद, जय अखिलेश। और लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्या लग रहा है अपने नेता के लिए? भाई जी कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? ये युवाओं की जो है जान है अखिलेश यादव, 80 सीट में से एक भी सीट नहीं है कम, और जीत रहे हैं हम फुल बहुमत से, समझ लिए फुल बहुमत से जीत। राहुल जी और समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मिलके यूपी गठबंधन सरकार बनने जा रही है, और आप लोग देखेंगे फुल बहुमत से सरकार बनने जा रही है। लखनऊ में रविदास मेहरोत्रा, रविदास मल्होत्रा आगे चल रहे हैं, फिलहाल राजनाथ सिंह से रविदास मल्होत्रा आगे चल रहे हैं, और सब जगह साइकिल ही जीत रही है। वैसे तो बराबर की टक्कर है उन दोनों में? टक्कर तो देखिए रहेगी, विपक्ष और पक्ष में टक्कर तो हमेशा बनी रहेगी, लेकिन साइकिल जो है वो सबसे आगे चल रही है जी। साइकिल सबसे आगे चल रही है, आगे चल रही मैडम, साइकिल सबसे आगे चल रही है। कितना उत्साह देखने को मिल रहा है जी? सपा पार्टी का यहाँ पे वो रैली निकल रही है, तो उसमें कितना उत्साह देखने को मिल रहा है अपने नेता को लेकर? आपको देखिए लग गया है कार्यकर्ता और जनता कितने उत्सव है अखिलेश, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की सरकार बनाने के लिए, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, और मोदी जी की जो जनता के लिए नाकामयाबी वो सामने आ चुकी है। जनता के लिए बेरोजगारी मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, और उससे बड़ा मुद्दा किसान का है, उसके बड़ा मुद्दा और महिलाओं का है, महिलाओं की रक्षा का है ना, हर मुद्दे पे जनता अपना गुस्सा वोट डाल के निकालेगी। इस बार आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी की सरकार बन रही है, इंडिया गठबंधन की, अखिलेश यादव की सरकार बनी जी। कितनी सीटों से जीतेंगे? एक सीट छोड़ के बाकी सब पे जीत रही है, एक सीट को लड़ रहे हैं हम लोग। अच्छा, एक सीट छोड़ के बाकी सारी सीटें जी? बिल्कुल जी। आपको कार्यकर्ता को उत्तर देख के लग ही गया होगा, जनता भी ये जान रही है। हमने ना लखनऊ की जनता